नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टोरस सीवी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वेल्टोरस सीवी एक ब्रांड नेम है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अटोरवेस्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल होता है। अटोरवेस्टेटिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अटोरवेस्टेटिन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, और क्लोपिडोग्रेल खून को पतला करता है और शरीर की नसों में ब्लड के थक्के को बनने से रोकने में मदद करता है। क्लोपिडोग्रेल खून को पतला रखता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लगने का जोखिम कम हो जाता है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल शरीर में खून को पतला रखता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, बदहजमी होना, शरीर में कमजोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। कुछ व्यक्तियों में वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स भी वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैबडोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैबडोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रैबडोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की वजह से रैबडोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। वेल्टोरस सीवी कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को बंद करने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको वेल्टोरस सीवी कैप्सूल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयां जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदि दवाओं के साथ वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदि दवाओं के साथ भी वेल्टोरस सीवी कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर,
ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर की कोई बीमारी होने पर वेल्टोर सीवी कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वेल्टोर सीवी कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वेल्टोर सीवी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।